हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ भास्कर कुमार। आई वाज अ स्टूडेंट ऑफ आकाश इंस्टीट्यूट सिलीगुड़ी फॉर द 2 ईयर इंटीग्रेटेड क्लासरूम प्रोग्राम फॉर नीट यूजी 2023। माय फादर इज़ एन इंजीनियर एंड माय मदर इज़ अ हाउसवाइफ। माय यंगर ब्रदर इज़ प्रेजेंटली स्टडिंग इन क्लास 7। आई फर्स्ट डिसाइडेड टू बिकम अ डॉक्टर व्हेन आई वाज इन क्लास 9। आई वाज इंस्पायर्ड बाय अनिकेत मोदक ऑफ आकाश सिलीगुड़ी ऑफ द 2019 batch. My parents never had any specific dreams for me, but they supported my dream and they wanted me to excel in any field that I go. I used to love medicine because it provides us with an opportunity to serve a large number of people, and it is also a very noble profession. I chose Akash Baijus because it was a very reputed institute in Siliguri. और मुझे पता चला कि इसमें सालों से कंसिस्टेंट रिजल्ट्स आए हैं, इसलिए मैंने आकाश बायजूस सिलीगुड़ी चूज़ किया। और मैंने एंथे एग्ज़ाम में 2020 में मैंने अपीयर किया था और मैंने इसमें 60% स्कॉलरशिप सिक्योर किया। एंथे एग्ज़ाम के बारे में मुझे न्यूज़पेपर एडवर्टीजमेंट से पता चला और मुझे पता चला कि ये ऑल इंडिया लेवल का एक प्रेस्टिजियस एग्ज़ाम है, तो इसको देने से मुझे पता चला कि वेयर डू आई स्टैंड नेशनल। The most important element in the preparation strategy for NEET is consistent hard work. Along with that, it is very important to set daily targets of how much we have to study, और हमें क्लास अटेंड करना चाहिए, उसमें नोट्स लेने चाहिए, और उसके बाद जो डाउट है हमें देन एंड देयर इटसेल्फ टीचर से क्लियर करवा लेना चाहिए। द स्टडी मटेरियल्स प्रोवाइडेड बाई आकाश इंस्टीट्यूट वेर वेरी हेल्पफुल टू मी। It contained several ranges of questions as well as past year question, और हमें जो catalyst package provide किया जाता है, और उसके बाद NCERT maps, फिर NEET challenger app है जिसमें past 12 years के questions होते हैं, फिर website पे ऑडी prep जो था उससे भी मुझे बहुत help हुआ, फिर lastly जो know your NCERT books provided हुए उन books में जो assertion reason questions थे उसके बारे में हमें बहुत कुछ जानने को मिला। The notes provided by the faculty members at Akash were helpful for both the board examinations as well as the NEET examination. Board examination is basically learning about the derivations, and the NEET exam is based on the applications of the same derivations. And in the package also there were two sections, section A and section B. Section A catered to the need of the board examinations and it had subjective types of questions, and section B had objective questions for the NEET examination. Before the last 3 months before the exam, we should revise the NCERT 4-5 times. NCERT हमें revise करनी चाहिए, उसके बाद जो notes हैं उसे भी regular intervals पे revise करना चाहिए, उसके बाद हमें daily एक mock test paper भी solve करना चाहिए। This 2 year journey had been very challenging and it was filled with a lot of ups and downs. I would like to thank my parents especially for supporting me through the period of डाउन्स। दे ऑलवेज kept me motivated, उन्होंने हमेशा मोटिवेशन दिया कि हम अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं, और कभी अगर हमारे स्कोर्स कम आते थे तो हमेशा हमें मोटिवेट करते थे अपनी गलती को कैसे रेक्टिफाई करें और कैसे हार नहीं मानना चाहिए, हमें जितनी भी मुश्किलें आए रास्ते में हमें उसे काट कर आगे निकलना चाहिए। इन 2 ईयर्स के जर्नी में डिस्ट्रैक्शन से दूर रहना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो मैं तो ये सजेस्ट करूँगा कि सोशल मीडिया या तो क्विट कर दें, नहीं तो उसको मिनिमाइज कर दें, और इंटरटेनमेंट का टाइम और स्टडी का टाइम फिक्स होना चाहिए, और इंटरटेनमेंट के टाइम से ज़्यादा इंटरटेनमेंट करना, स्टडी के साथ कॉम्प्रोमाइज़ करना, ये काम नहीं करनी चाहिए। माय जर्नी एट आकाश बायजूस वाज अ वेरी मेमोरेबल जर्नी। ऑल द टीचर्स, नॉट टीचिंग स्टाफ एंड ऑल द फैकल्टी मेम्बर्स हेल्प्ड अस टू अचीव आवर गोल। एज अ पर्सन मुझे लगा कि आकाश बायजूस में 2 साल के जर्नी के बाद प्रॉब्लम्स को मैं फेस करने के लिए ज़्यादा कॉन्फिडेंट हूँ पहले के मुकाबले, और कोई भी प्रॉब्लम्स आए तो उसे जल्दी घबराना नहीं चाहिए और उसे फेस करना चाहिए। और दूसरी बात, जो हमारे टीचर्स थे हमें हमेशा मोटिवेट करते रहते थे, और हम एक स्टूडेंट टीचर रिलेशनशिप जो था हमारा वो बहुत ही अच्छा था। हर टेस्ट के बाद टीचर्स हमसे पूछते थे कि कैसा टेस्ट गया, किस तरह के क्वेश्चन आए, कहाँ पर गलतियाँ करी तुमने, और फिर कैसे उसको रेक्टिफाई करें। इस प्रोसेस में टीचर्स का बहुत बड़ा योगदान रहा है हमारे जर्नी में। माई एडवाइस फॉर द नीट एस्पायरेंट्स इज़ दैट देर इज़ नो शॉर्टकट टू सक्सेस। हार्ड वर्क और कंसिस्टेंटली स्टडी करना सबसे इम्पॉर्टेंट है, और
क्लास में जो टीचर्स नोट्स दें उसे टेक डाउन करना, डाउट्स क्लियर करना, रेगुलर स्टडी करना, स्पेशली एनसीईआरटी बुक और जो पैकेज है उसके मतलब लाइन बाय लाइन मतलब क्लियर रहना चाहिए कहाँ पर कौन सी लाइन है, क्योंकि असर्शन रीजन क्वेश्चंस आजकल आते हैं।